तो कहते हैं कि माता हो या ईश्वर, प्रभु राम हो या हनुमान जी के छत्र, चांदी का छत्र चढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि आज शायद वैसे ही कुछ मन्नत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगी होगी, और चांदी का छत्र लेके और लाल रंग का ये दुपट्टा है या पोशाक है अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन छत्र जरूर मुझे चांदी का दिखाई दे रहा है, और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये सिंह द्वार से मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हुए 34 सीढ़ियां है ये, और उसके बाद तमाम मंडप है, नृत्य मंडप है, गुड़ मंडप है, दोनों तरफ गर्भगृह के भजन मंडप है, कीर्तन मंडप है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस समय देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर है इस समय जी न्यूज पर आपके लिए, प्रधानमंत्री के हाथ में ये पोशाक है लाल रंग की, आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर चांदी का छत्र रखा हुआ है। हमारे यहाँ कोई भी ईश्वर रूप होता है उसके ऊपर चांदी का या सोने का, जिसकी जो श्रद्धा है उस हिसाब से छत्र दिया जाता है। लेकिन मोदी जी ने मांगा हो, मैं वही कह रही हूँ कि जब भी हम कोई मन्नत मांगते हैं, क्योंकि मैंने कई बार मन्नत मांगी है तो मैंने चांदी का छत्र चढ़ाया है, और इसलिए मैं इस बात को समझ पा रही हूँ, इस भावना को, रिश्वत देती है नहीं, मैं इसको रिश्वत देना नहीं कहती, इसको मैं अपना प्यार कहती हूँ, और ये अपने माता पिता के लिए जो हमारा प्यार होता है वो ईश्वर के लिए है, और उसी प्यार के, ये देखिए ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, क्या भव्य सजाया गया है मंदिर, ये क्या भव्य सजाया गया है, और देखिए कितने सारे फूल, देश विदेश से ये फूल आए हैं अयोध्या के अंदर, और शायद मेरे जर्नलिज्म करियर में शायद ही कोई ऐसा इवेंट रहा हो, मतलब संडे के दिन लोग मंडे का इंतजार कर रहे हैं, कल मैंने ट्वीट किया है कि पहला ऐसा रविवार है जिस दिन लोग बोल रहे हैं रविवार जल्दी जाए सोमवार आ जाए। के भीतर की तस्वीरें हैं ये, नृत्य मंडप से होते हुए गुड़ मंडप की तरफ, गुड़ मंडप मतलब जितने ईश्वर के रूप है, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो कृष्ण जी हो, सबकी वहां पर मूर्तियां विराजमान है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह की ओर बढ़ते हुए, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा भी बनाई गई है, उस क्योंकि हिंदू धर्म में सनातन में ये माना जाता है कि दर्शन तभी पूरे होते हैं जब उसकी परिक्रमा पूरी होती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हम इस समय आपको राम मंदिर के भीतर से दिखा रहे हैं, जिसमें उनके हाथ में पोशाक है और उसके ऊपर चांदी का छत्र है जो वो राम लला को समर्पित करना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं, ये भक्त और ईश्वर का रिश्ता है जो बहुत ही वहां पर पहुंच रहे हैं, जहां पर बाकी आचार्य खड़े हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, बिल्कुल 121 आचार्य द्वारा ये पूजा अर्चना की जाएगी, और मैं बता दूं कि पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित इस प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य आचार्य की भूमिका में होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, क्रिकेट मैच में लगते थे अभी तक 30 35 40 50 इस तरह के कैमरे, या फुटबॉल मैच में आज आपको पता है कुल कितने कैमरे लगे हैं इसको कवर करने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 150 कैमरे से अयोध्या के इस कार्यक्रम का प्रसारण लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, और मेरे पास अभी चुनरी और ये लीजिए, देखिए ये आचार्य को उन्होंने दिया, और अब रामलला की भी झलक हमें मिलने लगी है, लेकिन अभी क्योंकि आंखों से पट्टी नहीं हटाई गई है, अभी पूर्ण रूप के दर्शन नहीं हमें हो पा रहे हैं, और इंतजार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए, वो 5 लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ वो 5 लोग, प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत जी, आनंदीबेन पटेल जी, योगी आदित्यनाथ, ये लोग हैं जिनको जाना है, मंत्री गोपाल दास जी, ये 5 लोग हैं, मानरत्न गोपाल दास इसलिए क्योंकि वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख हैं, इस हैसियत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस हैसियत से राज्यपाल इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जहाँ पर आता है वहाँ पे, ये देखिए तिलक लगा दिया गया मोदी जी को, तिलक लगा दिया, मुझे लगता है इन्हीं तस्वीरों का इंतजार था, और प्रधानमंत्री दिखने लगे, और अब अगर मुझे लगता है सभी को इंतजार है, देश को इंतजार है, तो रामलला का पूरा उस रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं, और ये आचमन जिसको कहा जाता है, पहले शुद्धि की जाती है फिर आचमन किया जाता है, तो सुन लेते हैं शायद मंत्रोच्चार की आवाज भी हमें सुनाई दे, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज देखिए भारत क्या था, मतलब त्रेता युग से पहले तो वैदिक युग था ना, जहां वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, तमाम चीजें निकल कर भारत आई, ये हमारी सॉफ्ट पावर है, मोदी जी के आने से पहले 2014 से पहले इस सॉफ्ट पावर का दुनिया में मैंने प्रदर्शन नहीं देखा था, सुरना जी मैं 1998 से विदेश में जा रहा हूँ कवर कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये जो भारत की सॉफ्ट पावर है ना, ये वॉशिंगटन की सड़कों में भी दिखाई दी, व्हाइट हाउस के सामने भी दिखाई दी, यूनाइटेड नेशंस के सामने भी दिखाई दी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर दिखाई दी,
और आप मैं, कोई मैं, ऐसी मैं इसको मैं इस समय इन तस्वीरों को देख के इतनी भावेवल हूं और मुझे लग रहा है कि ये भी भाग्य होता होगा, ये इतने लंबे संघर्ष का, इतने लंबे इंतजार का फल या मौका ये कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, उनके किस्मत में था कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो मतलब हिस्सा ले। तो ये सब बड़ी ऐसी तस्वीरें हैं जो जिनका इंतजार बरसों से देश ने किया है, सनातन में विश्वास रखने वालों ने किया है, तमाम हिंदू आस्था 500 साल 5 शताब्दी बिल्कुल। और ये किस्मत, मैं इसको कहूंगी कि ये भी किस्मत है कि किसको ये मौका मिलता है, और ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग्य में था ये मौका, और आज उनको मिल रहा है और ये अच्छी बात है। और बहुत ही जो कहा जाए भव्य रूप से इस मंदिर का निर्माण किया गया है, और ये इसमें तारीफ होनी चाहिए उन तमाम लोगों की जिन्होंने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और शुभना जी, मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहता हूँ, ये जोड़ना चाहता हूँ, जब सबसे पहली मीटिंग हुई राम जन्मभूमि ट्रस्ट और जो कंस्ट्रक्शन कमेटी थी जिसमें चंपत राय थे, मिश्रा जी थे, इन लोगों से, तो प्रधानमंत्री ने उनसे दो बातें कही। दो बातें क्या? पहला, मंदिर शास्त्रोक्त होना चाहिए, यानी शास्त्रों के हिसाब से रामायण का भी पालन हो, उसमें रामचरितमानस का भी पालन हो, जो लिखा गया है उससे बिल्कुल काटा ना जाए, सबसे पहली बात वो, कि वो शास्त्रों के अनुसार बने। जो दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि इस मंदिर के अंदर पूरे देश की झलक मिलनी चाहिए, इसीलिए चंपत राय समझा रहे हैं कि कर्नाटक के मूर्तिकार ने इसको बनाया है, मकराना राजस्थान के पत्थर बुलाए गए हैं, बाकी पत्थर यहाँ यहाँ से आए हैं, तो ये पूरा मंदिर पूरे भारत को समेटे हुए है, और उसी की झलक प्रधानमंत्री ने दिखाने को कहा था। पहली बात कि शास्त्रों के हिसाब से मंदिर बने, और दूसरा कि इसमें पूरा भारत की झलक दिखलाई दी, तो राम मंदिर के अंदर पूरे भारत का कुछ ना कुछ लगा हुआ है। बिल्कुल, और संघ प्रमुख भी मोहन भागवत जी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर में अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं। गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा अर्चना है, विधि है, वो अब प्रारंभ हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। और हमें यहाँ पर ये जो तस्वीरें मिल रही हैं वो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पूजा अर्चना में हिस्सा लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए गर्भद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न। भगवान, अब देश में तमाम तरह की रामलीलाएं होती हैं, भगवान के वेश अलग अलग, गणेश विघ्नहर्ता गणेश जी के भी दर्शन कीजिए, और ये हर कितने खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत है प्रभु के रूप के दर्शन। हाँ, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस समय हमें बातें कम और यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा ना हो कि एक भी तस्वीर हमसे और हमारे दर्शकों से छूट जाए। और जो भगवान के रूप है जो यहाँ पर लगाए गए, जिसके मैंने गढ़ मंडप की जो बात करी, गुड़ मंडप, वहां पर आरती जी जब मैं पहुंची और जो ईश्वरीय रूप वहां पर मुझे देखे, मतलब जो पार्वती मैया का जो रूप दिखा, जो गणेश जी का रूप देखने को मिला, वो अद्भुत। आंखों में आप भरिए तो ऐसा लग रहा है कि आप भर नहीं पा रहे हैं शायद। और ये तस्वीरें बेहद खास, इंतजार था इसका 550 साल से देश को, हिंदू आस्था रखने वाले लोगों को, और अब वो सपना वो साकार हुआ है। और आज मुझे लगता है, जी सुन लेते हैं एक बार, तो प्राणों का घट रीता है नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का, हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है, द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि, वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में, सबसे पहले विष निकला जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं, वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज
संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं, वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में, आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे, और साथ ही साथ पुराने जो विग्रह है उसके 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 समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है, और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन, कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आचमन बोलते हैं, हालांकि मैं इस चीज की बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैंने क्योंकि कई बार पूजा अर्चना अपने घर में की है, हवन किया है, तो इसलिए मैं ये जानती हूं कि इसी तरीके से चावल रखे जाते हैं हाथ में, हाथ, और ये मंत्रोच्चार हो रहा है, और ये पूजे पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना इस समय चल रही है। कमल का फूल, बिल्कुल, ये ईश्वर को चढ़ाया जाता है। अब आप फिर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप इसको बीजेपी का सिंबल की तरह देख रहे हैं, पर मैं इसको आपने देखा ना नहीं, तो आपने देखा। तो ये देखिए, और मोहन भागवत संघ प्रमुख इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भीतर गर्भगृह में मौजूद है, पूजा अर्चना पूरी चल रही है, और ये मुझे लग रहा है रामलला का, देखिए मुकुट पीछे से शायद दिखाई दे रहा है, और दर्शन का इंतजार है पूरा सब, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा। मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, और 11 दिन का अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया गया है। 121 आचार्यों की देखरेख में ये पूरा अनुष्ठान इस समय हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त होते ही, और ये गर्भगृह के भीतर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस समय। और आनंदीबेन पटेल, यहाँ पे राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, वो हमें दिखाई दे रही हैं। योगी जी उनके बराबर में बैठे हुए हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। तरफ हैं, उनको भी जो है छत वगैरह दिया गया है। आनंदीबेन पटेल, मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी, ये चार, और पांचवें नृत्य गोपाल दास जी, वो अभी तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रहे। ये देखिए विहंगम दर्शन, भारत के 8000 सबसे पावरफुल लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, 8000 सर्वशक्तिमान लोग इस वक्त राम मंदिर के
अंदर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। एक बात है, मोदी जी पॉलिटिकल रैली करें तो पॉलिटिकल रंग में दिखाई देते हैं, सैनिकों के साथ चले जाए तो उस रंग में दिखाई देते हैं, पूजा करें तो वो बिल्कुल साधक के तौर पर, एक तपस्वी के तौर पर दिखाई देते हैं। याद कीजिए 2019 की केदारनाथ गुफा में जो उनकी वो तस्वीर, याद कीजिए, मेरे ख्याल से कुछ वोट तो उसमें बढ़ गए, उस तस्वीर नहीं बढ़ा दी तो सच्चा सनातनी हिंदू है, इसको वोट दिए जाने चाहिए। और अभी भी जो यम अनुष्ठान किए प्रधानमंत्री को इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी। अनिल शास्त्री चाहते तो अनिल शास्त्री जो मुख्य यजमान बने हैं जिन्होंने 16 तारीख से पूजा, दरअसल होता क्या है कई दिनों की होती है प्राण प्रतिष्ठा, 16 तारीख से पूजा शुरू हुई थी, 22 तारीख को खत्म होगी, तो 16 से 22 तो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते थे ना अयोध्या, क्योंकि वो तो अपने आप को अन्य चीजों में भी व्यस्त रखते हैं। वो धार्मिक जगह जा रहे थे पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कैंपसेस के अंदर जाकर वो ज्ञान और विज्ञान दोनों का काम देख रहे थे। बेंगलुरु जब गए वो तो उन्होंने वहां पर उसके एक इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है, HAL में गए मुझे जहां तक याद आता है। दूसरा जो मैं आपको बताऊं, ये मोदी जी अभी दिखाई दे रहे हैं उनको एक शुद्ध सात्विक सनातनी हिंदू के तौर पर जो अपने भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। तो 16 तारीख से ये सब शुरू हुआ था और 16 तारीख के बाद 22 को अब इसकी पूर्ण होती होगी। ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ना मुकुट, मुझे लग रहा है ये छोटे बैठे हुए रामलला है, ये मुकुट उनका है, क्योंकि अभी जो 51 इंच वाली मूर्ति है उसके ऊपर से पर्दा हटा नहीं है, पर्दा हटेगा, पर्दा हटने के बाद उनकी आंखों की पट्टी खोली जाएगी, कांच दिखाया जाएगा, उससे बहुत तेज निकल मूर्ति से, तो कांच से जो है उसको बैलेंस किया जाएगा, चारों तरफ वो प्रकाश फैले, चारों तरफ वो ज्ञान का प्रकाश फैले, ज्ञान और सद्बुद्धि। सूर्य क्या हो रहा है? आज संकल्प की सिद्धि का दिन है, आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है, आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है। और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आमभद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इस स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए, भगवान श्री राम, भगवान भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे आनंद का क्षण। जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में कहते हैं कि कलयुग में भगवान का वर्ण है वो कृष्ण है, सत्युग में भगवान का वर्ण दीप था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण है रक्त है वो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ, और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए, और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी उसके बाद उसी पुराने के साथ सामने चार भाइयों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप इस वक्त 12:24 हो रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त क्या है, 12:29:02, यानी ठीक 5 मिनट बाकी है, ठीक 5 मिनट बाकी है जब भगवान रामलला प्रकट होंगे यहाँ पर, ये देखिए, और पूजा चल रही है। कौन कौन 5 लोग हैं? नृत्य गोपाल दास जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, मोहन भागवत जी हैं, आनंदीबेन पटेल हैं और साथ ही साथ उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो अब हो चुका है 12:25, तो अब बचे हैं सिर्फ 4 मिनट, 12:29:02 से 12:30:32, 84 सेकंड का यह मुहूर्त है, 84 सेकंड का यह मुहूर्त है और काशी के 121 आचार्य इस प्राण प्रतिष्ठा पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री का एक ही कहना था, जो कुछ हो शास्त्रोक्त हो, यानी शास्त्रों के हिसाब से हो, वैसा ही इसे किया गया है, चाहे प्रधानमंत्री का किया गया अनुष्ठान हो या फिर अनिल शास्त्री जो मुख्य यजमान है उनका अनुष्ठान हो, सभी शास्त्र के अनुसार हुआ है,
जो भारतीय परंपराएं हैं, वैदिक सनातन हमारे मूल्य हैं, उसको उसको अक्षुण रखते हुए किया गया है। और ये देखिए संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी, संकल्प ले रहे हैं मोहन भागवत जी, और इसके बाद जो है अब से सिर्फ 3 मिनट के बाद, अब कितना वक्त बाकी है, 4 मिनट और कुछ सेकेंड, और उसके बाद जो है ये पर्दा हट जाएगा। 4 मिनट और कुछ सेकेंड, 500 साल का इंतजार खत्म होगा, भारत को नई सांस्कृतिक आजादी मिलेगी, भारत को नई आध्यात्मिक आजादी मिलेगी। और हमारे यहाँ पूजा होती है, डीके दुबे साहब हम बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। देखिए सर्वे संतु निरामया, हम ये मानकर चलते हैं सभी निरोगी हो और सभी सुखी हो। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूँ, हम कथा वगैरह करते हैं उसके बाद में बोलते हैं ना प्राणियों में सद्बुद्धि हो, विश्व का कल्याण हो, क्योंकि सिर्फ भारत का विचार ऐसा है जो विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, वो केवल अपने को नहीं देखता, वो पूरे संसार को देखता है। हम तीनों लोकों पर काम करने वाले लोग, इसलिए ये जो प्राण प्रतिष्ठा का चल रहा है, आप सांख्य दर्शन देखिए जहां पर इसकी पूरी व्यवस्था लिखी गई, आज से 4000 और उससे ज्यादा वर्ष पहले की ये टेक्नोलॉजी है कि कैसे शरीर में नहीं एक पत्थर में विग्रह में भी प्राण स्थापित किए जा सकते हैं और उनको सजीव बनाया जा सकता है। तो शरीर जो चल रहा है केमिकली फिजिकली, उसके अलावा पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, ऐसी हमारे यहाँ भारत के लोगों ने वो पूरी टेक्नोलॉजी विकसित करके रखी, जो टेक्निकल भाषा में अगर हम कहेंगे, वैसे तो अध्यात्म इसको कहेंगे लेकिन टेक्निकल भाषा में वो करके रखा। और सांख्य दर्शन सृष्टि के आरंभ से लेकर और शरीर के काम करने तक को पूरा नियोजित करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जो है ये प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, और 27 हो चुके हैं, 12:27 हो चुके हैं, अब सिर्फ 2 मिनट, 12:29:02 से मुहूर्त शुरू होगा। तस्वीरों में आपको पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए मुझे लग रहा है कि अब वो ईश्वर भगवान राम का जो वो पर्दा जिसे हटाने की बात हो रही है वो आपको दिखाई दे रहा है, वो अनिल मिश्रा जी दिखाई दे रहे हैं जो मुख्य यजमान। हाँ बराबर, अनिल मिश्रा जी मुख्य यजमान है, अयोध्या के रहने वाले हैं। Thank you.
सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे, वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर सब वहीं पर एकत्रित हैं।